हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन, और अभी मैं अटल पथ पर हूं। सामने आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI को देख सकते हैं। यहां की अपडेट मैं इसलिए भी नहीं दिखाता था क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे, यहां अभी तक वही हाल है जो उस टाइम था जब मैं यहां की वीडियो शूट किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत काम यहां हुआ है। वैसे भी बिहार में कोई काम टाइम पर पूरा हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, चलिए आज मैं आपको JP गंगा पाथवे, जिसे पटना का मरीन ड्राइव भी कहते हैं, उसके बारे में और खास करके अटल पथ फेज 2 के नीचे जो सर्विस लेन बनाने का काम चल रहा है उसका भी अपडेट दिखाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोग जानना चाहते हैं सिटी घाट के बारे में, कि वहां का काम कितना पूरा हुआ है, कितना काम बचा है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ और अपडेट है जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। उसमें क्या क्या रहेगा वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर चलते हैं और सर्विस लेन का जो काम है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ अटल पथ फेज 2 पर, और यहाँ से नीचे आप इसके सर्विस लेन को भी देख सकते हैं। जिसके काम की बात करूं तो अभी रोड बनाने का काम तो शुरू नहीं हुआ है, बट जो ड्रेनेज का काम है उसे यहां पूरा कर लिया गया। और गाइस, सिटी घाट का अपडेट आने से पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अभिषेक कुमार, उनका कल मेरे कुछ वीडियोस पे कमेंट आया था कि भाई आप JP गंगा ड्राइव पर वीडियो बनाइए और वहाँ जो कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं उसे दिखाइए, और साथ ही जो बाढ़ के कारण दियारा साइड से लोग आए हैं और अपने जानवरों को मरीन ड्राइव फुटपाथ पर रखे हैं, वहाँ चारों तरफ गोबर फैला रहता है, तो इस चीज़ को भी आप दिखाइए। और लोगों से एक अपील कीजिए कि वीकेंड में जो लोग यहाँ गंगा पाथवे पर आते हैं वे लोग जहाँ तहाँ कूड़ा न फेंकें। और भाई, ये चीज़ मैं खुद भी देख चुका हूँ जब मैं एक महीने पहले इधर आया था, और अभिषेक भाई की बोली हुई हर एक बात सही भी है। जब हम ही अपने शहर को साफ नहीं रख सकते तो दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे भाई। वैसे इन सब में एक अच्छी बात ये भी है कि सरकार भी इस चीज़ पर ध्यान दे रही है। यहाँ कई सारे डस्टबिन आपको लाइन से देखने को मिल जाएंगे, और बिल्कुल भी यहाँ आपको गंदगी अभी देखने को नहीं मिलेगी। शाम में फूड स्टॉल जो लगता है उसके कारण थोड़ी बहुत गंदगी यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से भी जो खास करके वीकेंड में यहाँ घूमने आते हैं, अगर हो सके तो आप लोग भी इन बातों का ध्यान रखिएगा, और अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो उसे मना जरूर कीजिएगा। आफ्टर ऑल, ये शहर को साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सब की ही है। तो गाइस, चलिए अब हम देख लेते हैं LCT घाट का क्या अपडेट है। तो गाइज, ये रहा वो अंडरपास जिससे होते हुए आप इधर LCT घाट की तरफ निकल जाएंगे। वैसे अभी इधर काम चल रहा है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा दिख रहा है यहाँ से। और इधर ये रहा अपना LCT घाट के पास बन रहे ब्रिज के काम का अपडेट। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ ब्रिज के ऊपर ढलाई का काम भी पूरा कर लिया गया है, साथ ही ये साइड बैरियर और फुटपाथ के काम को भी आप देख सकते हैं, ये भी लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। तो आइए, काम चल कहाँ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिज का काम आप देख रहे हैं इसे करीब करीब पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो मेन काम चल रहा है वो इधर इसके अप्रोच रोड का है, जिसे सामने बाकीपुर दानापुर रोड से मिलाने का काम चल रहा है। और सामने ये रहा महावीर वत्सल हॉस्पिटल। और इसके अलावा ये जो रोड है इसके एक लेन को बंद कर दिया गया है, आइए उधर से भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो गाइज, कुछ ऐसा सीन है LCT घाट के पास। ब्रिज पूरी तरह से तैयार है, अप्रोच रोड का काम यहाँ पर चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिज देख रहे हैं इसकी हाइट रोड से काफ़ी ऊपर है, इस वजह से इधर जो रोड है उसके एक लेन को ऊंचा किया जा रहा है।
और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुर्जी से राजापुर पुल जाने के दौरान यहाँ एलसीटी घाट के पास लगभग 250 मीटर की लंबाई में सड़क ऊंची होगी, जिसका काम आप यहाँ होता हुआ देख सकते हैं। और इसके बन जाने से बोरिंग कैनाल रोड, आनंदपुरी, नेहरू नगर, पाटलिपुत्रा और कुर्जी इलाके से लोग पीएमसीएच आने जाने के लिए इस एलसीटी घाट से सीधा गंगा पथ पर होकर जा सकते हैं। और काम अगर ऐसे ही चलता रहा तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइज अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से आगे की अपडेट आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। इसमें पीएमसीएच के चल रहे काम और साथ ही पीएमसीएच से आगे गंगा एक्सप्रेसवे पर और साथ ही पीएमसीएच से आगे गंगा एक्सप्रेसवे पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नए जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।